नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी आवाज़ के हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूँ एक हेलमेट की, जो कि है स्टील बर्ड का। ये देखिए स्टील बर्ड, और इसका मॉडल नंबर है स्टील बर्ड एडोनिस डैशिंग मोटरसाइकिल हेलमेट, जो कि आपको फ्लिपकार्ट और अमेज़न दोनों वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। तो सबसे पहले पैकेजिंग की अगर बात करें तो पैकेजिंग इसी पैकेजिंग में आया है, पैकेजिंग ठीक ठाक ही है, पैकेजिंग में कुछ मतलब कुछ खास भी नहीं है। और यहाँ पर देखिए इसका प्राइस टैग मेंशन है, जो कि 1019 इसका प्राइस यहाँ पर मेंशन है। मॉडल नंबर है SB50 एडोनिस डैशिंग, और यह एक एल साइज का हेलमेट है, लार्ज साइज का। जनरली हेलमेट स्टील बट का शॉर्ट मीडियम लार्ज का ही आता है, एक्सेल इसका ऑनलाइन में ज़्यादा मिलता नहीं है, अवेलेबल नहीं होता है, तो मैंने लार्ज साइज का हेलमेट मंगवाया था। तो मैं आपको हेलमेट का रिव्यू देता हूँ, चलिए पैकेज को ओपन करते हैं। ये बहुत ही हल्का है, बहुत ही ज़्यादा हल्का है दोस्तों, मतलब इतना हल्का हेलमेट मैं जो यूज़ करता हूँ रास्ते का हेलमेट, उससे भी बहुत ज़्यादा हल्का है ये हेलमेट। तो हेलमेट को हम बाहर निकालते हैं, देखते हैं कैसा है। इसको हम साइड में रखते हैं बॉक्स को, और ये है मेन यूनिट हेलमेट का। सो दोस्तों, ये है हेलमेट का मेन यूनिट। फर्स्ट लुक तो काफ़ी अच्छा है इन टर्म ऑफ डिज़ाइन, इट्स ऑसम। यहाँ पर जो स्टिकर यहाँ पर दी गई स्टिकर है, एक्चुअली ये पेंट नहीं है, यहाँ पर एक स्टिकर चिपकाया हुआ है पीछे तक एडोनिस। ओके, तो देखते हैं वाइज़र में क्या लिखा है। ये स्क्रैच रेजिस्टेंस वाइज़र, पॉलीकार्बोनेटेड सिलिकॉन हार्ड कोटेड। एक बात बता दूँ, इसमें स्क्रैच रेजिस्टेंट लिखा है, लेकिन इसमें स्क्रैच पड़ता है, आप रिव्यूज़ देख सकते हैं फ्लिपकार्ट या अमेज़न पे। ओके, और स्टील बट का लोगो है यहाँ पर, और यहाँ पर कैसे इसको क्लीन करना है, क्या करना है, सब लिखा हुआ है। और भी कुछ है यहाँ पर देख लेते हैं सामने की, और कुछ नहीं है पीछे की ओर देखते हैं। यहाँ पर आपको ISI का मार्क मिल जाएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने में, ISI का मार्क। और यहाँ पर फिर से स्टील बार्ड का लोगो, और यहाँ पर साइज मेंशन की गई है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर इसका जो वेट है वो 950 प्लस माइनस 50 ग्राम, और साइज है इसका 600 mm, यानी कि 60 सेंटीमीटर, लार्ज साइज, मेड इन इंडिया। और कुछ चीज़ें यहाँ पर अंदर की ओर लिखी हुई है, मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये आपको शायद ना दिखे। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी गए हैं, जो कि मैं आपको बता दूंगा अभी। तो हेलमेट की यहाँ पर देखिए ईयरबैंड दी गई है, और ये ईयरबैंड सिर्फ पतले तार के जाली है और कुछ नहीं है, इतना कुछ खास नहीं है, चीप क्वालिटी की है एक, मतलब ठीक ठाक ही है। इसका पर्पस जो भी है वो हो जाएगा, लेकिन जो एक प्रीमियम लुक्स एंड फील्स देता है वो नहीं है इसमें। तो इधर भी है वो तार के जाली, और वाइज़र का जो यहाँ पर डिज़ाइन है ये बहुत ही मस्त है, मतलब वैसे जो एक स्पोर्ट्सी लुक देता है, जो इतने कम रेंज में जो एक स्पोर्ट्स हेलमेट का लुक एक आपको मिलेगा, ये बहुत ही शानदार है। अंदर का जो कुशनिंग है ठीक ठाक ही है, बट अगर आपको ज़्यादा कुशनिंग चाहिए तो गो फॉर अनदर मॉडल, बिकॉज इसमें उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि वेगा और स्टार्ट में होता है। कुशनिंग ठीक ठाक ही है, बट बहुत ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो वो नहीं है इसमें। जो मेन चीज़ मुझे इसमें लगा, इसका फिटिंग, मेरा हेड का साइज मेज़रमेंट है 59 सेंटीमीटर, और
यह है 60 सेंटीमीटर का हेलमेट, फिर भी ये मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइट हो रहा था, मतलब ठीक से मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ। तो अगर आपका साइज हेड का 60 है या 59 है, तो आप इसे नहीं इस्तेमाल कर सकते। ओके, प्लीज़ डोंट बाय दिस। इफ़ योर हेड साइज इज़ 59 और 60, गो फॉर अनदर वेरियंट और गो फॉर अनदर मॉडल, गो फॉर अनदर साइज। ये बहुत ही ज़्यादा टाइट हो रहा है, और यहाँ पर लिखा भी है, ये जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दी गई है पीछे की ओर, यहाँ पर लिखा भी है कि ये थोड़ा सा टाइट होगा, ठीक है। और बाकी जो इसका सब ठीक ठाक ही है, चेन स्ट्रैप सब कुछ ठीक ठाक है। और एक जो प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे फेस हुआ कि यहाँ पर जो ये जो आपका जब आप पहनते हैं, ओके, तो पहनने पर इस पार्ट पे, हेलमेट के इस पार्ट पे जब आप सांस लेते हैं, आपका अब जो आपका सांस यहाँ पर लग के आपके फेस पे ही आता है, ओके, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है पहले पहले। बाद बाकी और कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, हेलमेट ठीक ठाक ही है, क्वालिटी वगैरह भी ठीक है, स्टाइल के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा आ गया है ये हेलमेट। ओके, तो ये था इसका फर्स्ट इम्प्रेशन एंड रिव्यू। हेलमेट आप ले सकते हैं, बट अगर आपका हेड साइज बड़ा है तो आप इसे नहीं पहन सकते। ओके, तो दोस्तों यही था हेलमेट का रिव्यू। और हाँ, ये हेलमेट मैंने ख़रीदा है फ्लिपकार्ट से 764 में, 764 इसका प्राइस अभी फ्लिपकार्ट में चल रहा है सेल। तो अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आपका हेड का साइज कम है थोड़ा सा, 55 56, तो आप ऑब्वियसली से ले सकते हैं, अच्छा हेलमेट है डे टू डे डेली राइडिंग के लिए। ओके, बट और एक दिक्कत आपको जो फेस करना पड़ेगी कि ये जो वाइज़र है, वाइज़र आसानी से मिलता नहीं है इसका, मतलब बहुत ही कम शॉप में ही आपको इसका वाइज़र मिलेगा। तो बस यही था आज का वीडियो दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये हेलमेट लेना है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।